हेलो कन्फर्म नमस्ते, सत श्री अकाल, अंग्रेज स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, एक और कंट्रोवर्सी जो है वापस चालू हो गई है, वो है नियो और स्काउट के बीच में। कुछ दिन पहले जो है आप सभी को पता होगा, एक ऐसा बताया जा रहा था कि स्काउट को जो है बीटीआर की तरफ से ऑफर आया था ज्वाइन करने के लिए, एंड उसके बाद जो है नियो ने उसका मजाक उड़ाया था ये बोलते हुए कि वो कॉन्ट्रोवर्सी है, राखी सावंत है जिसको ये सब में पढ़ना रहता है, ऐसा कोई ऑफर कोई और देता नहीं है। एंड उसके बाद वापस स्काउट ने कुछ रिप्लाई दिया, एंड उसके बाद जो है नियो ने भी कुछ रिप्लाई दिया था। तो गाइस, मैं अब अपना ओपिनियन नहीं दूंगा बिकॉज आप लोग मुझे बहुत गाली देते हो, तुम स्काउट का साइड लेते हो, बट रियली सेइंग मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट, मैं सिर्फ स्काउट का बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप टीएसएम की बात करोगे तो आप देखोगे तो घातक जो है थोड़ा टॉक्सिक होने की कोशिश कर रहा है। इंस्टाग्राम, मैं उसको फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे वो हमेशा कुछ ना कुछ पोक करते रहता है। जॉनी, आई एम सेइंग हैंड्स डाउन, वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्टर है इंडिया का। स्काउट को नहीं बोलता मैं, जॉनी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्टर है, बट रियल सेइंग मुझे ऐसा लग रहा है कि टीएसएम जो है अपने घमंड के कारण, ठीक है, कुछ दिनों बाद शायद से डाउन हो सकता है, बट आई होप कि ऐसा ना हो बिकॉज टीएसएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट पबजी टीम इंडिया, सिर्फ और सिर्फ पबजी टीम इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, उसके सिवाय टीएसएम कुछ भी नहीं है। एंड अगर मैं स्काउट के ओपिनियन दूँ, स्काउट एंड सोल एंड 8-बिट अभी तो दोनों एक हो गए, बट रियल सिंह अ बिग रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए बिकॉज ये लोग जो है गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी वॉचिंग कितनी कम हो रही है, ये वो ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है हमारे इंडिया के लिए। अगर ये लोग जो है आजकल जो टीएसएम वाले बोलते हैं नियो या फिर घातक की हमारी वॉचिंग बढ़ रही है इसके लिए लोग जल रहे हैं, तो भाई अगर मोटल स्काउट और इन्होंने वापस स्ट्रीमिंग करना चालू कर दिया पबजी का, तो फिर समझ जाओ कि आप लोगों की वॉचिंग कहाँ जाएगी। सो वॉचिंग का घमंड कभी मत रखो, रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट का डिसीजन ऑलवेज, दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से। बट आगे जो कॉन्ट्रोवर्सी है, पहले मैं स्काउट का वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है आप नियो का रिप्लाई देख लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड बाई योर सेल्फ कि कौन सही है या फिर कौन गलत, कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंजॉय दी कॉन्ट्रोवर्सी नाउ। आज आज जेट खेलेंगे, आज फुल पहलम पाल पड़ने वाला कुछ लोगों को, ठीक है। तो पहला मैं चीज़ें जो बहुत लोग बच रहे हैं डाउट्स एंड ऑल क्लियर करता हूँ, फुल पहलम पड़ने वाला है, फुल पहलम पड़ेगा, गाना बंद करो गाइस, ठीक है, ओके। क्या था तो पहले चालू करते हैं। मैंने 2 दिन पहले या कल मैंने बोला था कि मेरे को बीटीआर से ऑफर आया था, आई डिडंट प्ले, ठीक है। हाँ, उस वहाँ चालू करते हैं। आधे बच्चे क्या बोल रहे हैं हमें फोन, अरे भोसड़ी वाला सुनो, तुम में मेरे में जमीन आसमान का फर्क है बहन चोद, जमीन आसमान का। भोसड़ी के तुम क्लासिक के चोदे हो, मैं टूर्नामेंट के चोदा हूँ, फर्क है, समझ रहे हो, फर्क है बहन के लंड। तुम क्लासिक कॉन्करर पुश करते हो, मैं भोसड़ी के टूर्नामेंट खेलता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात रही, तेरे से बड़े बड़े असल्टर तो बहन के लौड़े कहाँ थे आज तक, पबजी बैन के बाद से बड़े असल्टर बन गए, पबजी बैन से बड़े असल्टर क्यों नहीं थे, ठीक है। और करते हैं, आज तो माँ चोदने की मूड पे फुल आया, मैं गांठ खोल दूंगा अभी, अभी क्या कि प्रोफाइल खोलता, ठीक है। तुमको लौड़ा बीटीआर बीटीआर के वहां जाकर फैन बॉय बनना होता, लौड़े उनके साथ में बैठ के बोल के उठता बैठता हूँ बहन चोद, फर्क है तुम में और मेरे में, ये भूल जाओ कि लौड़े तुम में, तुम लोग और मेरे में डिफरेंस नहीं है, जो बज रहे हो ना मादर चोद, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, जमीन आसमान का बहन के लौड़ो। तुम जब उस पबजी का नहीं जाना, तब मैं जाकर टूर्नामेंट खेल के आया था, तो बजना बंद कर दो, और इतने ही बड़े तोप थे ना, तो भोसड़ी के टूर्नामेंट से कहाँ थे, क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, डिवाइस नहीं था, बाप गरीब था जो डिवाइस नहीं दे पाया, बाप ने मेहनत नहीं की थी मादर चोद, इतने दिन से शांत तू मतलब दिमाग का भूसड़ा कर रहे हो बहन के लंड, बताओ लंड। एक बंदा जिसमें जो चौड़े बोलता है ना कि भाई कहाँ है प्रूफ आईडी, असली फेस कैम ऑन करके रखो, मैं तुम्हारे सामने लौड़े जक्सी रक्सी राजन किसी को भी लाता हूँ कॉल पे, उसको कंफर्म कराता हूँ, फिर माँ कसम मैं घर पे आके तेरी मैया चुप के जा सकता हूँ। ये चीज़ के लिए एग्री करते तो बोल, मैं अभी ऑन द स्पॉट करवा दूंगा वो चीज़, ऑन द स्पॉट करवा दूंगा वो चीज़। एक बंदा बुलाऊंगा जो जो ये गांड मस्ती कर रहा है, चौड़ में कमेंट में लिखता है, ठीक है, और मैं खुद रहूंगा, और मैं जक्सी लक्ष्य राजन किसी को अंदर लिक्विड किसी को भी एक को फोन करके बुला लूंगा, वो आ जाएगा कॉल पे, फिर देखते हैं बहन के लौड़ो, तुम्हारी ऐसी माँ चुदेगी ना बहन चोद,
लौड़े लग जाएंगे तुम्हारे। तो इसीलिए औकात अनुसार काम करो, मेरे को अपना पुराने वर्जन में आने मत दो प्लीज। मैं आ जाऊंगा ना मां, जितने तुम चौड़ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लौड़ा लहसुन भैंचो इसे मैं करके छोड़ दिया हूं 2 साल में, ठीक है? ये 2-3 साल में से चीजें करके मैं छोड़ चुका हूं। अब मैं शांति वाला चिल चिल बंदा बनना चाहता हूँ, तो मेरे को अपने पुराने फॉर्म में मत आने दो भाई। अगर मैं आ जाऊंगा ना भाई, बहुत खराब हो जाएगा सीन। मजाक सर क्या, एक एक बंदे की पोल खुल जाएगी, एक एक बंदे की औकात दिखा दूंगा। फिर मत बोलना कि भैया स्काउट रूड है भाई, मैया चो सकता हूँ मैं, इतनी औकात रखता हूँ, ठीक है? सो बता रहा हूँ, औकात अनुसार काम करो, बीटी मत दो मेरे को। मेरे को बीटी दोगे तुम्हारी जिंदगी बीटी हो जाएगी पूरी। प्रोफाइल खोल के लौड़ा घर का एड्रेस डाल सकता हूँ मैं, इतना कांड में गुजर रखता हूँ। फिर मत बोलना मिस यूजिंग योर पावर। अरे लौड़े का पावर तुम्हारा, तुम भैंसो तुम इंसान हो, मैं इंसान हूँ, तुम बकचोदी कर सकते हो, मैं बकचोदी नहीं कर सकता, ये क्या बात हो गई? तुम उंगली करो तो भाई मैं भी, याद है ना 1 साल, 1 या 1.5 साल पहले कभी मैंने बोला था उंगली करो तो कान में हाथ डाल दूंगा, तो अभी बता रहा हूँ भाई, उंगली करोगे हाथ डाल दूंगा पूरा पूरा अंदर तक, और बहुत दर्द होता है, बहुत लोगों का डाला भी है, समझो। ठीक है, भाड़े की गाड़ी घूमते हो, भाड़े गाड़ी घूमो, औकात जितने उतने में रहो, मान चुदाओ। मेरा दिमाग का फुफड़ा हुआ ना, चुप जाओगे लाइन में सब। अपन अभी रोस्ट करने पे आ गया था, फिर उसका भी सब खुल जाएगा, हम लोग का भी सब खुल जाएगा, ठीक है क्या? कोई इधर इतना दूध का धुला नहीं है, तो जो बजरे बजरे ना अभी लाइव स्ट्रीम पे, फिर हम लोग बोलने को बैठ गए ना, तो उसका भी जो भी है वो भी खुल जाएगा, उसके पास भी मेरा कुछ है वो भी खुल जाएगा, ठीक है ना? वो दूध का धुला है ना, मैं दूध का धुला है, ठीक है? ऐसे तुम लोग के सामने सब इतना, और फिर मैं बोलने पे बैठ गया ना उसका जो भी कुछ है, तो फिर उसका आएगा मेरे को बराबर से व्हाट्सएप पे मैसेज कि भाई सब ठीक करते ये वो, उसका वही है, ठीक है यार? आएगा फिर व्हाट्सएप पे एक आध का मैसेज, भाई छोड़ना चिल करते सब कुछ, सब ठीक करते। अभी जब उसने मेरे को लास्ट टाइम कब इधर कुछ तो भी बोला था ना, गोल्डी भाई को कॉल करके उसने, या छपरी I need ये a वो weapon. आया था किसी का तो भी मैसेज एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में नहीं 3-4 दिन के अंदर, है भाई छोड़ सब ठीक कर दे, अपन रियल लाइफ में मिलेगा, भाई 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 करके बात करेगा मेरे को, घर तक भाई करके बात करेगा, बाजू मिलेगा 10-15 मिनट 1 घंटा बात करेगा, तो वो टाइम पे नहीं समझता, घर पे आ गए शाणा बन जाते कुछ लोग ना, ना क्या रियल लाइफ में नहीं बनेंगे मुख्य सामने, रियल लाइफ में अपने इधर आके शाणे नहीं बनेंगे, ठीक है? नहीं बनते कुछ लोग, घर पे जाने का शाणे बनने लगते हैं, क्योंकि पता है घर पे तो आने नहीं वाले अपन, भाई मैं नहीं उतार उसका रहा गेम प्ले तो हूँ, लंड है, ठीक है? उतार एग्जिट, पर मैं नहीं उतार रहा, उसका गेम प्ले लंड है, उतारना उतार दे यार, उतार दे यार, ठीक है? उतारो नहीं हो भाई, उतार रहा कभी भी आने दो उसको कॉम्पिटेटिव में, कभी भी, ठीक है? उसकी मार चुनते उतार कभी भी उतार आने दो, और रियल लाइफ में भी लौटा जो मुख्य सामने आके वो भाई है तू ये तू वो है, ठीक है? भी वो बात अपने आवाज ही नहीं आती रे, कभी उससे नहीं गया बात करने, ठीक है? किसको पूछे ना अभी नहीं, लौड़ा तुम्हारा वो फोन इतना लगाया है, इतना लॉयल है ना, मैंने ऑडिशन का किया उसको रे, पूछे ना बहुत छोटे लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी मैं करके लगाया फोन था, आया था उसको बहुत मतलब घटिया साउंड आता ले गया मार्च नवा उसका कोई सीजन भी आएगा रेंज ना, मेरे लौड़े पे गया मार्च में नहीं गया, वो चूतिया जाट की शाड़ा बनता है, लौड़ा साइको है क्या, वो चूत मारेगा, एक हाथ देगा चमाट मारेंगे, एक चमाट मारेगा मुंह देगा, अरे भोसड़ी के मुंह के सामने खड़ा था न्यू मेरा भाई, न्यू मेरा भाई, न्यू ऐसा वैसा, न्यू फ्यूचर में ऐसा करना, न्यू फ्यूचर में वैसा करना, अच्छे से बात करते हैं ऐसा है, पहली बात तो छाड़ जैसा तो उसका गेम प्ले, ठीक है? और अपने आपको बोलता है बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, अबे जॉनी किधर है ना, लौड़ा उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा, और उसकी गांड जलती है जॉनी से, लिटरली ना उसकी गांड जलती है जॉनी से, करके वो इतना जॉनी को एनवी करता है, ठीक है? अपन कैसे एक दूसरे को ऐसा आगे करते ना, उसकी गांड जलती है, और उसने क्या लौड़ा जॉनी को ऊपर किया है, मेरा लंड पकड़ के ऊपर किया, क्या उसकी मेरा बाप नहीं, मेरा एक ही बाप है, 10 बाप के 10 लोगों की चाटे बोल रहे सामने पड़ा पता है, और मैं ट्रिगर होके भी नहीं बोल रहा, मैं फैक्ट बता रहे, ठीक है? उसकी गांड जलती है तो जलती है जॉनी से, ठीक है? मैंने मार्कर रोड पे जॉनी की इतनी वॉचिंग आती तो मजे में उड़ाऊ, अभी गेम बंदे करके इसके लिए उसकी गांड ठीक जलती है, है और वो ओआर में गया ना, ठीक है? क्या दूसरे के स्लॉट पे खेला जाके वो चूतिया, उसका फनेटिक क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, फ्री का वर्ल्ड लीग खेलने मिला, भिखारी को कैसे देते हैं ना फ्री का, भिखारी कौन हुआ वो हुआ, ठीक है? अरे नहीं भाई फर्स्ट एड है क्या, अपन अपने दम पे क्वालिफाई, अपन क्या भीख मांग के नहीं जाते किसी को,
भिखारी जैसा उसके लिए ले वर्ल्ड लीग खेल ऐसा, ठीक है क्या? मेरे लौड़े का इंटरनेशनल प्लेयर जाके एक बार वर्ल्ड लीग का शर्ट देख लो, लीग में भी उससे ज्यादा किल्स थे मेरे, फाइनल्स में भी उससे ज्यादा किल्स थे, मेरे लौड़े का बेस्ट प्लेयर भाई, इंश्योर, ठीक है? और जॉनी के तो लंड के आसपास भी नहीं है, वो नुन्नी है जॉनी के सामने, जैसे उसके लिए उसको पता है गेम से वो कुछ नहीं बोल सकता, करके पैसा पैसा करता है।